हेलो लर्नर्स, ये मेरी फिजिक्स की पहली क्लास है और आज मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तीन होती हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश एक धनावेश, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं पहले वाले प्रॉपर्टीज के बारे में जो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर मतलब क्या हुआ कि चार्ज को किस तरीके से जोड़ा जाता है, उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक सिस्टम है, सपोज हमने इसको 1 माइक्रोकुलम चार्ज दिया, फिर हमने इसको 2 माइक्रोकुलम चार्ज दिया, फिर हमने इसको 3 माइक्रोकुलम चार्ज दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा तो हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 1 माइक्रोकुलम प्लस 2 माइक्रोकुलम प्लस 3 माइक्रोकुलम एंड दैट इज 6 माइक्रोकुलम। अब हम इसी एग्जांपल में अगर एक और चार्ज ऐड करते हैं -2 माइक्रोकुलम, और अगर अब आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा तो उसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 1 माइक्रोकुलम प्लस 2 माइक्रोकुलम प्लस 3 माइक्रोकुलम प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -2 माइक्रोकुलम, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 4 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ज को जोड़ते हैं। अब ये तो थे हमने 2, 3, 4 चार्ज लिए थे, जब n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो उस केस में क्या कंडीशन होगी। ये देखिए, सपोज ये हमारा सिस्टम है, इसमें दिया जा रहा है Q1 चार्ज, Q2, Q3 .. अप टू Qn। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा तो उसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस .. अप टू Qn। ठीक है, ये क्या है, ये है अलजेब्रिक सम यानी कि बीजगणितीय योग। चूंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होती है, तो इसलिए वो अलजेब्रिक सम के रूल को फॉलो करती है। तो इस तरीके से एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या हुआ, सपोज कोई सिस्टम है और उसमें Q1 Q2 Q3 .. अप टू Qn चार्जेस हैं, तो उस केस में नेट चार्ज कितना होगा, उन सभी का बीजगणितीय योग जो होगा वो उनका नेट चार्ज होगा। ठीक है, ये तो हो गया एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब हम आएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। देखिए, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु आवेशित हो जाती है। ये किसके कारण होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु से ऋणावेश, एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ना तो आवेश क्रिएट किया जा सकता है ना तो आवेश को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रॉपर्टी को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को। देखिए, सपोज ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं लेकिन बाहर सराउंडिंग के साथ वो इंटरेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो सपोज ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज इसमें 2 माइक्रोकुलम चार्ज है और इसमें +3 माइक्रोकुलम चार्ज है। और अगर अब आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का, इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने एडिटिव नेचर में देखा था, हम करेंगे +2 माइक्रोकुलम +3 माइक्रोकुलम एंड दैट इज +5 माइक्रोकुलम। अब सपोज ये दो ऑब्जेक्ट इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको आइसोलेटेड सिस्टम में अंदर के ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं पर वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो हम मान लेते हैं कि 1 माइक्रोकुलम चार्ज इसको देता है, उस केस में इसमें चार्ज हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी में चार्ज हो जाएगा 1 माइक्रोकुलम और इसमें बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइक्रोकुलम। अब अगर आपसे पूछा जाए
कि इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, तो ये होगा 1 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम दैट इज प्लस 5 माइक्रोकूलम। तो हमने देखा कि पहले केस में भी ये 5 माइक्रोकूलम था, दूसरे केस में भी ये 5 माइक्रोकूलम है, यानी कि हमारा जो चार्ज है, जो नेट चार्ज है, वो हमारा कांस्टेंट है, कंजर्व है। ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं, एटम्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन में चार्ज होता है प्लस ई, प्लस ई क्या है, ई है एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि प्रोटॉन है इसलिए प्लस चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस ई, दैट इज −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, होता है जीरो। ठीक है, तो जो एटम होता है वो स्टार्टिंग में न्यूट्रल होता है जब तक हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं या उनसे उसे निकाले नहीं। तो एक एटम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये आपका एक एटम है, थोड़ा हम फंडामेंटल चीज समझ लेते हैं इसके बारे में, तब हम आगे क्वांटाइजेशन पे डील करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है जो इससे निकल रहा है, जब किसी एटम से जो स्टार्टिंग में न्यूट्रल है उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो होगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसका नेट चार्ज हो जाएगा प्लस 2e, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3e। इसी तरीके से अगर हम अब निकालने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को दें तो इसका नेट चार्ज जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा माइनस ई 1 लिखेंगे आगे। ठीक है, और एक और इलेक्ट्रॉन अगर इस एटम को दिया जाए तो अब टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा, अब नेट चार्ज हो जाएगा माइनस 2e। इसी तरीके से हम आगे लिखेंगे। ठीक है, अब हम एक और, अभी तो हमने जनरल आपको एटम के बारे में बताया, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सपोज कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये अभी न्यूट्रल है, मिनिमम चार्ज, मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है कि हम इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं वो है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस केस में इसमें जो ये हमारा न्यूट्रल है, अब इसका चार्ज क्या हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा माइनस ई। अब हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एक और देते हैं और देते जाते हैं तो ये बढ़ता जाएगा, अभी 1e था, माइनस 2e हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस 3e एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में यही सेम ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा बाहर निकलता है, 1, 2 निकला, फिर तीसरा निकला, उस केस में ये इस पे चार्जेस कैसे कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस ई, प्लस 2e, प्लस 3e एंड सो ऑन। जीरो भी हम लेंगे, जीरो कब है, कौन सी कंडीशन है, जब ये एटम स्टार्टिंग में न्यूट्रल था। तो हम इस पूरे डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 + 1e + 2e + 3e एंड सो ऑन, −1e −2e −3e एंड सो ऑन। तो आपको इससे कुछ दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा होगा कि ये क्या है, +1 + 2 + 3, 0 −1 −2 −3, ये सब क्या है, ये इंटीजर्स हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं q = ne। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी पॉसिबल चार्जेस हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं q = ne, यानी कि n इज द इंटीजर दैट इज
जितने भी यूनिवर्स में हमारे पॉसिबल चार्जेस हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल का। एंड क्या हो गया हमारा इंटीजर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंटीजर क्या होते हैं, 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब हमने ये एग्जांपल आपको बताया, इस एग्जांपल में आप नोट करिए, कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 0.5 इलेक्ट्रॉन को दें या निकालें, या फिर 1.6 इलेक्ट्रॉन को दें या निकालें, ये पॉसिबल नहीं है। हमें या तो जीरो हो सकता है जो न्यूट्रल की कंडीशन है, प्लस वन हो सकता है, प्लस टू हो सकता है, प्लस थ्री हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, माइनस टू होता है, माइनस थ्री हो सकता है, फ्रैक्शनल या डेसिमल रूप में हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ये तो ये स्टेटमेंट हो गया कि पॉसिबल जितने भी चार्जेस है यूनिवर्स में वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां हम डील करेंगे कूलम्स लॉ के साथ। थैंक यू।